जा रहे हो? गधों को। लेकिन बॉस आप इतने छोटे से नेट में कैसे समा पाओगे? केवल के कहने का मतलब है जैसे गधा अपनी अकलमंदी से काम नहीं चलाता सिर्फ अपने हाथ पर चलाते वैसे ही आप करते हो। हाथ चलाओ। नहीं बॉस, हम आपके हाथ उठाने के तरीके से समझ गए। क्या? कि आप एक नंबर के गधे हो गधे। चलो बॉस। चलो क्या चलो, तुम दोनों चुपचाप खड़े रहो। पूरी चिट्ठी से पकड़ कर आता हूँ। अरे मुझे क्यों रोका? बॉस बोलने वाली चिट्ठी। कहा ना मैंने, तुम लोगों ने मुझे क्यों रोका? अरे वो क्या है ना, वो जो बालवीर का सम्मान समारोह हो रहा है ना परिलोक में, हमें भी वहां जाना है, इसलिए हमें वो चिट्ठी चाहिए। तुम ऐसे किसी की भी चिट्ठी नहीं ले सकते। अगर तुम्हारे नाम की चिट्ठी होगी तो तुम्हें मिल जाएगी, इसीलिए मुझे जाने दो क्योंकि मैं अमित की चिट्ठी हूँ। अमित? नो बॉस, अमित को भी चिट्ठी मिल गई, सिर्फ आप ही हो जिसे चिट्ठी नहीं मिली। ए, मेरे साथ तुम्हें भी चिट्ठी नहीं मिली है, समझे ना? और वो बस हम आपके साथ रहते ना इसलिए। चुप। मुझे चिट्ठी क्यों नहीं मिली, सबको चिट्ठी मिली। हम चिट्ठियाँ सिर्फ अच्छे और सच्चे बच्चों को मिलती है। तो तुम्हारा क्या मतलब है, मोंटू बॉस झूठे बुरे और नालायक है? बेवकूफ। अरे हाँ, बेवकूफ भी है। चुप बेवकूफ हो। सॉरी बस, लेकिन मैं समझ गया ये चिट्ठी क्या कहना चाहती है। अगर आपको बालवीर के सम्मान समारोह में जाना है ना, ये कह रही है कि आपको हमें पिज्जा और बर्गर खिलाना पड़ेगा। अरे नहीं, आपको उसके लिए सच्चा और अच्छा बनना पड़ेगा। हाँ बस, सच्चा और अच्छा बनना पड़ेगा। अच्छा नहीं बस, अच्छा और सच्चा। हाँ कोई, अच्छा और सच्चा बच्चा कैसे बनूं? अच्छा और सच्चा बनने की शुरुआत तुम मुझे आजाद करके कर सकते हो। अब मैं अच्छा और सच्चा बनकर दिखाऊंगा। किया क्या जाए, किया क्या जाए, बालवीर के सम्मान समारोह में हम सब डुबा डुबा परिवार की ओर से क्या किया जाए। हाँ, दिखाएंगे हम ऐसा करतब कि खुश हो जाएंगे बच्चे। करतब? कैसे करतब? हाथ पे चलने का करतब। कैसे? ऐसे। उठो उठो। अरे हाँ, डुबा डुबा भाइयों, ये हाथ पे चलने का कर्तव्य होगा नहीं हमसे। हाँ तो करे क्या, करे क्या, करे। तो हम पांव पर चलने का कर्तव्य दिखाएं क्या? क्या? तो पांव पे ही तो चलते हैं ना हम सब, है क्या इसमें कर्तव्य? अगर है चलना तो रस्सी पे चलकर दिखाओ। हाँ है ये सही कर्तव्य, चलकर दिखाएंगे हम सब रस्सी पे। बताओ इन कपड़ों में कैसे दिख रहा हो? एकदम सफेद हाथी। क्या कहा? सफेद हाथी। बस आजकल आपको ना एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती। तुम्हें भी बार बार मार खाने के बाद भी
ये बात समझ में नहीं आती कि कब क्या बोलना चाहिए। सॉरी बॉस। इट्स ओके। अब सोचो आगे क्या करेंगे। बॉस डोंट वरी, हमने सब सोच कर रखा है कि आगे क्या करना है। हाँ हमने सोच कर रखा है, बोलो क्या करेंगे। बेवकूफ कहीं के, अब साफ साफ बताओ क्या करना है। सिंपल है बस, पहले पिज्जा खाएंगे फिर वीडियो गेम खेलेंगे, फिर बर्गर खाएंगे फिर वीडियो गेम खेलेंगे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अब मुझे ही सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। चिट्ठी ने कहा था कि वो सिर्फ सच्चे और अच्छे बच्चों को मिलती है, तो मैं सबसे पहले सच्चा बनना पड़ेगा। लेकिन बॉस सवाल ये है कि हम सच्चा बच्चा कैसे बने। बेवकूफ सच बोलकर। अब चलो चलकर सच बोलते हैं। संभल के डुबा डुबा, संभल के। छोड़ना। अरे दिल गिर गया। लगा हूँ मैं कहता, करके दिखाओगे तुम। आराम से। हाँ आराम से। हाँ 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 शाबाश। हो तुम ठीक ना? हाँ। नहीं ये ब्रस्टिक पे चलने का कर्तव्य है बहुत खतरनाक, नहीं होगा हमसे ये, तो करें क्या? क्या करें? क्या करें? है कर्तव्य। हाँ है? बस तुम किसे ढूंढ रहे? ऐसे इंसान को जिसे हम सच बोल सके। वो देखो सर। किसका सर बॉस? आपका या हमारा? अरे वो सर नहीं, हमारे सर। हाँ बस देख लिया। बॉस अच्छे बच्चे किसी पर हाथ नहीं उठाते। अरे मैं अपने सर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सर की बात कर रहा हूँ जो हमें पढ़ाते। वो देखो, चलो चलकर उन्हें सच बोलते हैं। रुको। अरे एक काम करते हैं, हम सच बोलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो क्या है ना, हमने आज तक कभी सच बोला नहीं है। हाँ बस हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। चलो बोलो सच। बस आप मोटे हो, बुलडोजर हो, एक नंबर के शैतान हो। बाहर से दिखते हिम्मत वाले हो लेकिन अंदर से एक नंबर के डरपोक डरपोक। ये क्या बोल रहे हो तुम? सच बोल रहे हो बस, आप ही ने तो बोला सच बोलो, हम लोग उसी की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। केवल और सच बोल। ए भाई भाई भाई, बहुत हो गई सच बोलने की प्रैक्टिस, अब सीधा जाकर सर को सच बोलते। चलो। जब तुम्हारा पीटी का क्लास अभी नहीं है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सॉरी सर। सॉरी सर, चलो जाओ सीधा क्लास में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है मोंटू, कुछ काम है? वो क्या है ना सर, हमें आपको सच बोलना है। सच बोलना है? हाँ सर, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरा सच सुनने के बाद हम पर गुस्सा नहीं करेंगे। नहीं नहीं मोंटू, सच बोलना तो एक अच्छी आदत है, इसके लिए तुम्हारे पर गुस्सा नहीं तुम्हारी तारीफ होगी। बोलो। लेकिन सर अगर आप चाहो तो अपने कान बंद कर सकते हो। अरे नहीं नहीं रोहित, मैं सच सुनना चाहता हूँ, बोलो। तो सुनिए सर, उस दिन आप स्कूटर पे आपके चिपक गए थे और आपकी पैंट फटी थी, तो सीट पे गम किसने लगाया था पता है? रोहित केवल ने। सर परसों आपके स्कूटर की हवा निकाली थी, आपको घर चल के जाना पड़ा था, वो किसने किया था पता है? रोहित केवल ने। और उस दिन सर ब्लैक बोर्ड पे आपका कार्टून बना था वो मोंटू बॉस ने ही बनाया था। और सर आपको एक बार याद है कि आपका पाव केले के छिलके पे पड़ा था और अब फिसल के आपका चश्मा टूट गया था। हाँ इसके लिए मुझे नया बनाना पड़ा। हाँ
वो केले का छिलका मोंटू बॉस ने फेंका था। तो सर सुनिए, उस दिन हम जा रहे थे और आपके सर पे किसी ने मारा। हा? वो किसने मारा था पता क्या? केवल ने। और सर आपको याद है तभी एक बार आप सिग्नल क्रॉस कर रहे थे और पीछे से आवाज आई थी, ए मोटे गेंडे सान। वो मोंटू बॉस ने कहा था। और सर उस दिन आप फुटपाथ पर चल रहे थे ना, एक बार जोर से आवाज आई थी, ए टकले मुझे ना चावल। वो मोंटू बॉस ने बोला था। हमेशा आपको क्लास में कोई चिढ़ाते ना, वो ये दोनों रहते, हमेशा आपकी बुराई करते थे, प्रिंसिपल सर को आपकी कंप्लेंट करते रहते, और वो सब हमें करने के लिए मोंटू बॉस ही कहते। थैंक यू सर, आपने हमारा सच सुना। आपको सच बोलकर मेरा दिल हल्का हो गया। बस दिल लेफ्ट में बदल, राइट में सॉरी, मेरा दिल हल्का हो गया, अब मैं सच्चा बच्चा बन गया। रोहित, केवल, छिपा क्या रहे हो पीछे डुबा डुबा एक? है ये मेरे नए कर्तव्य का सामान। अच्छा, पर उससे करोगे कौन सा कर्तव्य तुम डुबा डुबा एक? अरे वो दिखाता, पहले तुम लोग अपनी आंखें बंद करो। हैं? अगर करेंगे हम आंखें बंद तो देखेंगे कैसे? अरे हाँ, वो तुम होशियार हो डुबा डुबा चार, अभी दिखाता हूँ, देखो। रुको, डुबा डुबा एक, ये तो हो गया दो गेंदों का करतब, अब करके दिखाओ तीन गेंदों से करतब, दो माने। अभी दिखाता हूँ, ये रही तीन गेंद, है ठीक, अब देखो, ये देखो हो गया, ये कर्तव्य भी बेकार, अब करे कौन सा कर्तव्य? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या पापड़ा? नहीं बापूजी। क्या बापूजी अच्छे नहीं लग रहे? अरे माँ। क्या माँ अच्छी नहीं? अरे नहीं। तो फिर घर में कौन बचा? स्मिता वो? मैं अच्छी नहीं हूँ। ये स्मिता मेरी बात तो सुनो। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मूड ठीक नहीं आज। हाँ तो ठीक है। हा? क्या हुआ बेटा, तेरे मूड को क्या हुआ? अरे क्या हुआ होगा, उसने अपने बॉस को कोई सच बात बताई होगी और बॉस ने उसको डांट दिया होगा, और क्या? तो फिर क्या बात है? मिता, हमने बालवीर को बहुत भला बुरा कहा, हम उससे माफी भी नहीं मांग पाए हैं, इस वजह से मेरा मूड ठीक नहीं। आप सही कह रहे हैं महेश, यही सोच सोचकर रात भर मुझे भी नींद नहीं आई है, मुझे भी रात को नींद नहीं आई। सबकी हालत एक जैसी है, पता नहीं अपने दिल की बात बालवीर से कैसे करें, कैसे माफी मांगे उससे। जब तक मैं उससे माफी नहीं मांग लेता तब तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महेश, मैंने तो उसे बेटा कहने से भी इनकार कर दिया था। मां मत बोलना मुझे, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। कितनी चोट पहुंची होगी उसे, पता नहीं बालवीर मुझे कभी माफ करेगा भी या नहीं। नहीं मां, आप सब मुझसे माफी मांगिए ये तो मैं सोच भी नहीं सकता, बल्कि आपके दिलों में मेरे लिए अब भी प्यार है, मेरे लिए यही काफी है। लेकिन मैं माँ पापा दादा दादी को इस तरह दुखी भी तो नहीं देख सकता। देखो तुम दोनों ने
सच बोलने वाली की तो इस दुनिया में कोई कदर ही नहीं है। हाँ बस सच बोलना तो बहुत भारी पड़ गया। अरे भारी तो सिर्फ हमें पड़ा है, मंटू बस तो पहले से ही भारी है। बॉस सच्चे बच्चे कभी किसी पे हाथ नहीं उठाते। अरे यार हम सच्चे तो बन नहीं सके, तो फिर अब क्या करें? पिज्जा मंगवा लेते, वैसे भी ऐसे बैठे बैठे बहुत भूख लग गई है। बॉस याद करो। बॉस मुझे लगता है सच्चे बनने से शायद अच्छा बनना इजी होगा। हाँ अच्छा बनना ज्यादा इजी होगा। तू कभी अच्छा बना है क्या? हाँ बना था ना। ओ हे तू बता। अच्छा काम। हाँ बस वो तो बहुत टाइम हो गया अच्छा काम करके। तो बताओ हम अच्छे कैसे बने? अच्छा ही कर। कॉमन सेंस बस, इतना भी नहीं पता। तो अच्छा ही कैसे करे? अच्छा काम कर बस। क्या बस आपको इतना भी नहीं पता? तुम्हारे वजह से मैं कभी अच्छा बच्चा नहीं बन पाता। हर दो मिनट में ऐसी हरकत करते हो कि मुझे हाथ उठाना पड़ता है। मुझे बताओ मैं अच्छा बच्चा कैसे बनूं? तो ऐसे बोलो ना बॉस। सोचते। सोचो। आइडिया। थैंक यू बालवीर कि तुम हमसे मिलने यहाँ आ गए। हम सबकी तरफ से मैं तुम्हें सॉरी कहता हूँ। उस दिन हम लोग ने जो भी कहा, सच कहूँ तो हमारे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे कि हमारी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई थी और गुस्से में ये सब कह दिया। सच तो ये है बालवीर कि वो सब सोच सोच कर हम सब बहुत दुखी है। आप सबको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सबके दिल में मेरे लिए कोई मैल नहीं है। और मैं सच कहूँ तो वो सब बातें मैं बुरी यादों की तरह भूल गया। बालवीर हम सभी वो भूल जाना चाहते हैं और तुमसे माफी मांगते हुए कहना चाहते हैं प्लीज बालवीर हमेशा की तरह तुम बच्चों की बीबी भी बने रहना। बच्चों से कभी भी दूर मत जाना, बच्चों को तुम्हारी जरूरत, उनके दोस्त बन के ही रहना। बिना बच्चों की दोस्ती के बालवीर का अस्तित्व तो ही नहीं है। तो बच्चों से जुदा होने की बात तो मैं सोच ही नहीं सकता। बच्चों का विश्वास और उनकी दोस्ती मेरी असली ताकत है। यानी तुमने हमें माफ कर दिया? बड़े बच्चों से माफी मांगते हुए नहीं बल्कि उन्हें आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं। और अगर मानव मेहर मेरे दोस्त है तो आप सब मेरा परिवार ही है ना। और अपने परिवार से कोई नाराज होता है क्या? जितना हो बालवीर उस दिन मैंने कहा था कि तुम मुझे कभी माँ मत कहना, लेकिन आज कहती हूं कि तुम इस दुनिया की हर माँ के बेटे हो और हमें तुम पर गर्व है।